आप लोग घर बंधन करवाते हो, घर बंधन करवाने से पहले यह वीडियो देखना आप लोगों के लिए सख्त जरूरी है। यदि आप लोग यह वीडियो नहीं देखते हैं, घर बंधन करवाते हैं, तो आपको हो सकता है घर बंधन करवाने से नुकसान हो जाए। इसलिए आप लोग इस चीज़ को जानो, समझो, फिर करो। कई लोगों को घर में गद्दियाँ नहीं लगते हैं, कई लोगों को घर में चौपार नहीं लगता है। यदि उस घर में चौपार लगाया जाता है तो भगत को हानि होता है, भगत को हानि होता है। भगत यानी कि जो देवी देवता के भक्त हैं, किसी देवी का भक्त है, तो वो भगत हो गए और वह अपनी पावर दिखाना शुरू कर देते हैं। उनको अपनी पावर पर पूरा विश्वास होता है और वह देवी माता की कृपा से उस घर में चौपार लगा भी देते हैं। जब लड़ाइया होता है तब देवी भाग खड़ा होता है, समझे। जब कहता हूँ ना अच्छा बात तो बुरा लगता है, सुनो। जब डायन जोगिन से जब आपको लड़ाई होती है, तांत्रिक भगत में जब लड़ाई होता है डायन जोगिन से, तब आपका देवी कहाँ रहता है, देवी से पूछिएगा। देवी से ना पूछ पाए तो किसी गुरु से पूछिएगा, ठीक है। जब डायन जोगिन से आपको लड़ाई होगा, जिस देवी की आपके ऊपर कृपा है, वह देवी आपके इधर से डायन जोगिन के इधर कहीं चला गया, तो वह डायन जोगिन के इधर यदि आपका देवी कुछ समय के लिए बना गया, तो हो सकता है वह आपके ऊपर सदा से कृपा बनाए रहे हैं, सदा सदा से कृपा बनाए रहे हैं, लेकिन कभी कभी समय पलट भी जाता है। इसलिए हो सकता है वह देवी ना तो डायन जोगिन के पास जाए, ना आपके पास जाए, आपके पास आए ही ना वह देवी उस दिन, तब क्या होगा। आप कहोगे नहीं गुरुजी, ऐसा हो ही नहीं सकता है, देवी का ऊपर हमारे ऊपर पूरा कृपा है, देवी माँ हमारे ऊपर पूरा कृपा करेंगे और जिसका भी हम काम करेंगे उसका 100% काम होगा। आप लोग गारंटी लेते हो। कभी कभी देवी क्या होता है कि पीछा छोड़ जाते हैं, आपको छोड़ के चले जाएंगे। कितना भी बड़ा सत्य क्यों न किया हो आपके साथ, कितना भी बड़ा वचन क्यों न दिया हो, आपको छोड़कर चले जाएंगे, तब क्या होगा। आप लोग सोचते हो कि नहीं जाएंगे छोड़ के, नहीं जाता है, मैंने देखा है। और जब देवी छोड़ के नहीं जाएगा तब भगत को हानि ही नहीं होगा, लेकिन छोड़ के चले जाते हैं। दीनानाथ महाप्रतापी गुरु भगत की कारिक बाबा के सिर पे सहाय थे, कारिक बाबा के सिर पे सहाय थे दीनानाथ महाराज जी, और दीनानाथ महाराज जी को विवश होकर, दीनानाथ को विवश होकर कारिक बाबा की शिष्य पर से उसको भागना पड़ा। जब कारिक बाबा किसी के घर में जब पूजा कराने गए तो दीनानाथ बाबा को भागना पड़ा डायन जोगिन से, तो आप तो बच्चे हो। जब उस समय में भागा गया तो आज क्या नहीं भाग सकते हैं, आज भी भाग सकते हैं। इसलिए समझिए, बात को समझिए, जब तक नहीं समझिएगा आपको समझ में नहीं आएगा। कारिक बाबा एक महाप्रतापी भगत जो कि बाल्यपन से खिलार थे, और वह जो है पूजा कराने गए तो उनको डायन जोगिन से जब युद्ध हुआ तो दीनानाथ उसके शिष्य पर से भाग गए, उसको देह छोड़ करके भाग गए, और वहां पर कारिक बाबा की मौत हो गया। तब जा करके दूसरा देवता गए तो उनको छोड़ा करके लाए, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं कि जब कारिक बाबा के साथ में खेल हो सकता है, तो हम लोग अभी बच्चा है, तो हमारे ऊपर जो भी देवी देवता के कृपा होंगे वह हो सकता है थोड़ा समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए नहीं तो थोड़ा समय के लिए ज़रूर हमसे दूर चले जाएंगे। तब हमारा क्या होगा, तो उस समय आपके जो गुरु होंगे वही आपको बचाते हैं, जो गुरु आपका जीवित हो, जो गुरु आपके जीवित हो वही गुरु आपको बचाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, या फिर कोई और सहयोगी, ठीक है। जब तक आपको सहयोगी नहीं है, जब तक आपको गुरु नहीं है,
जीवित या कोई सहयोगी होगा वही बचाएंगे जब आपके सभी शक्तियाँ साथ छोड़ के चले जाएंगे तब। यदि ऐसा नहीं है, यदि आपका कोई गुरु जीवित नहीं है या फिर आपका कोई सहयोगी नहीं है तो फिर आप गए। दो चीज़ों में से कम एक चीज़ आपके पास होना चाहिए, यदि नहीं है तो फिर आप बेकार हो। इसलिए आप लोगों को कहता हूँ कि सिद्धि करते हो तो सिद्धि तो हमेशा काम आएगा, भक्ति करते हो माता की कृपा है वह भी हमेशा काम आएगा। कभी कभी शक्ति पलट जाता है, समय पलट जाता है, तो उस समय के लिए कुछ ऐसा सोच के चलो, यदि महान तांत्रिक बनना है, महाभगत बनना है तो आपको यह प्रक्रिया अपनाने होंगे। और यह चीज़ कोई नहीं बताएगा, जब मैं बता रहा हूँ तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में बेल आइकन दिया होगा उसको भी दबा दो।